इस लेक्चर में हम थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। क्यूब रूट्स को स्टडी करने से पहले हमें nth रूट का पता होना चाहिए। कोई भी नंबर a है उसका nth रूट मींस n टाइम्स स्क्वायर रूट। मैं लेट करता हूं कि x जो है वो nth रूट है ऑफ a का, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 बाय n, और x रेज टू पावर n इज इक्वल टू a। यहां से हम x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं और x की n वैल्यूज आएंगी। हम किसी भी नंबर का जो भी रूट फाइंड करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करें, फोर्थ रूट फाइंड करें, अगर क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो उसकी तीन वैल्यूज आएंगी, फोर्थ रूट फाइंड करेंगे तो फोर वैल्यूज आएंगी, और फिफ्थ रूट फाइंड करेंगे तो फाइव वैल्यूज आएंगी। सिमिलरली जब हम nth रूट फाइंड करेंगे तो n वैल्यूज आएंगी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मींस के क्यूब रूट ऑफ वन। मैं लेट करता हूं इस तरीके से, लेट x जो है वो क्यूब रूट ऑफ वन है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू वन रेज टू पावर 1/3, और x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करें, x रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम बेसिक अलजबरा से सॉल्व करें तो ये हमारे पास एक्सपेंड होकर कुछ यूं आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, एंड इफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करें तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो तीन वैल्यूज आ गई क्यूब रूट की, एक 1, एक माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वेयर रूट बाय 2, और तीसरी माइनस 1 माइनस माइनस 3 स्क्वेयर रूट बाय 2। किसी भी नंबर के जब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे, अगर तो वो नंबर हमारे पास रियल है तो उसके जो क्यूब रूट होंगे उनमें से एक रियल होगा और दो कंप्लेक्स होंगे, और अगर हम कंप्लेक्स के फाइंड करें तो उसमें से जो तीनों क्यूब रूट हैं वो कंप्लेक्स होंगे। किसी भी जो नंबर होता है उसके मल्टीपल रूट्स हैं उसको हम यूज करते हैं इन द जी ट्रांसफॉर्म, और किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स एंड जीरोस फाइंड करने के लिए। ये जी ट्रांसफॉर्म एंड पोल्स एंड जीरोस जो हैं ये आप हायर क्लासेस में इंजीनियरिंग में स्टडी करेंगे। देन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास तीन आए हैं, वन
माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू एंड माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू, जिनमें से एक ये हमारे पास रियल है और ये दोनों कंप्लेक्स हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टी नंबर वन है, प्रॉपर्टी नंबर वन है कि ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वेयर ऑफ द अदर, ईच कॉम्प्लेक्स सॉरी क्यूब रूट इज स्क्वेयर ऑफ अदर। कंप्लेक्स हमारे पास ये दो हैं, माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू एंड माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम इसका स्क्वेयर लेंगे प्लस वाले का, तो उसका जो आंसर है वो ये माइनस वाला आएगा, और अगर हम माइनस वाले का स्क्वेयर लेंगे तो उसका जो आंसर है वो ये प्लस वाला आएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं कि माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू, इसका जब हम स्क्वेयर लेते हैं, स्क्वेयर लिया, स्क्वेयर को ओपन करें तो ये बन जाएगा माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट स्क्वेयर प्लस टू इंटू माइनस वन इंटू माइनस थ्री स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय फोर। दिस विल बिकम वन माइनस थ्री माइनस टू इंटू माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय फोर, और माइनस टू माइनस टू इंटू माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय फोर। यहाँ से टू को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा टू इंटू माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय फोर। टू फोर टू टू आर फोर, सो दिस विल बिकम माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू। दिस इज दी अदर कंप्लेक्स रूट। हमने क्या किया कि एक कंप्लेक्स रूट का स्क्वेयर लिया तो उसका जो आंसर है वो दूसरा कंप्लेक्स रूट आ गया। सिमिलरली अगर हम इसका स्क्वेयर लें, माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू का, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू। सो ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वेयर ऑफ अदर। इट मीन्स दैट अगर हम इस माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू को सपोज करें दिस इज ओमेगा, देन माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू विल बी ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि एक जो है वो दूसरे का स्क्वेयर है। और अगर इसका रिवर्स हम कर लें कि माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू को हम लेट करें ओमेगा, देन माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू विल बी ओमेगा स्क्वेयर। लेकिन हम अमूमन ये वाली नोटेशन यूज करते हैं कि माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू को ओमेगा यूज करते हैं, और माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू ऑटोमेटिकली विल बिकम दी ओमेगा स्क्वेयर। देन इज दी प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू इज द सम ऑफ ऑल दी क्यूब रूट्स ऑफ
यूनिटी इज जीरो, मीन्स दैट अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम करें तो उसका जो आंसर हो वो जीरो हो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर शुड बी जीरो। यहां पे एक तो हमारे पास वन है, ओमेगा की वैल्यू हम डाल देते हैं, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू, प्लस माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू। सम करेंगे तो इनका हमारे पास एलसीएम टू आ जाएगा, दिस विल बिकम टू माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट माइनस वन माइनस थ्री स्क्वेयर रूट, दिस विल बी कैंसल्ड विद दिस, प्लस टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू, सो दिस विल बिकम जीरो बाय टू और इज इक्वल टू जीरो। द प्रॉपर्टी हैज बीन प्रूव्ड दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि एक को हमने ओमेगा लेट कर लिया है, दूसरा ऑटोमेटिकली हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर बन जाएगा। देन इज दी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज दैट ओमेगा क्यूब इज वन। इट मीन्स दैट कि अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास वन आना चाहिए। अब हमारे पास क्यूब रूट्स हैं वन माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू एंड माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू। हम जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वन को तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू इंटू माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट बाय टू। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फ्रॉम द फॉर्मूला ये बन जाएगा माइनस वन स्क्वेयर माइनस माइनस थ्री स्क्वेयर रूट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर, जो कि हमारे पास बन जाएगा फोर ओवर फोर विच इज इक्वल टू वन। सो जब हमने तीनों क्यूब रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर हमारे पास वन आया। सो द प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। देन दी फोर्थ प्रॉपर्टीज, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ओमेगा रेज टू पावर एन इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी।
अब हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ओमेगा की हम कोई भी पावर लें तो उसका जो आंसर है वो या तो वन आएगा या ओमेगा आएगा या ओमेगा स्क्वायर आएगा। इन तीनों के अलावा जो है वो आंसर नहीं हो सकता। हम इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको चेक करते हैं सबसे पहले ओमेगा रेज टू पावर 4 के लिए। तो ओमेगा रेज टू पावर 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। और अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में देखा कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1, सो ओमेगा रेज टू पावर 4 विल बिकम ओमेगा। सिमिलरली इसको हम चेक करते हैं ओमेगा रेज टू पावर 31 के लिए। ओमेगा रेज टू पावर 31 इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 30 इंटू ओमेगा। ओमेगा रेज टू पावर 30 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 10 डॉट ओमेगा। ओमेगा क्यूब इज 1, 1 रेज टू पावर 10 डॉट ओमेगा। 1 रेज टू पावर 10 विल बिकम 1 एंड दिस विल बिकम ओमेगा। सिमिलरली हम इसको माइनस के लिए भी चेक कर लेते हैं, दैट इज ओमेगा रेज टू पावर -1 के लिए चेक करते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर -3 एंड ओमेगा स्क्वेयर। अब ओमेगा रेज टू पावर -3, ओमेगा रेज टू पावर 3 हमारे पास है 1, सो दिस विल बिकम वन रेज टू पावर -3 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, सो दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वेयर। सो हमने इस प्रॉपर्टी में चेक किया कि हम ओमेगा की कोई भी पावर ले रहे हैं तो उसका जो हमारे पास आंसर है वो या तो ओमेगा आ रहा है या ओमेगा स्क्वेयर आ रहा है और या वन आ रहा है। देन आर द फोर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। जिस तरह से हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए उसी तरीके से हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी फाइंड करेंगे। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी एक ऐसा नंबर हो गए एक्स इज इक्वल टू फोर्थ स्क्वेयर रूट ऑफ 1, जिसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1/4, और एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 -1 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वेयर -1 इंटू एक्स स्क्वेयर +1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई, इधर एक्स स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर +1 इज इक्वल टू 0। इफ एक्स स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 0 तो इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं एक्स -1 इंटू एक्स +1 बाय बेसिक अलजेब्रा इज इक्वल टू 0। सो हेयर विल ऑल्सो टू ऑप्शंस, इधर एक्स -1 इज इक्वल टू 0 और एक्स +1 इज इक्वल टू 0। इफ एक्स -1 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू 1, एंड इफ एक्स +1 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू -1।
जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लें तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 स्क्वेयर रूट। और आपको पता है कि -1 स्क्वेयर रूट को हम आयोटा लिख सकते हैं, सो एक्स विल बिकम आयोटा एंड नेगेटिव आयोटा। हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की चार वैल्यूज आ गई, 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा। देन आर देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज सम ऑफ ऑल दी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। जब हम इन चारों को सम करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास जीरो आएगा। हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं 1, देन -1, प्लस आयोटा, माइनस आयोटा। जब इनको सम कर रहे हैं तो +1 -1 के साथ कैंसिल, प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ कैंसिल, एंड द आंसर इज जीरो, विच इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ ऑल दी फोर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो। देन दी प्रॉपर्टी नंबर 2 इज द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। रियल रूट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स का आपको पता है कि अगर उसमें हम ऐड करें तो उसका जो आंसर है वो जीरो आता है। सो 1 + 1 है, इसमें -1 ऐड करेंगे तो इसका आंसर जीरो आएगा, और अगर हमारे पास -1 हो तो उसमें +1 ऐड करेंगे तो उसका आंसर जीरो आएगा। सो दीज आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज विच इज अबाउट द कम्प्लेक्स रूट्स, दैट द कम्प्लेक्स रूट्स कम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। कम्प्लेक्स रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। और कॉन्जुगेट का आपको पता है कि जिसमें हमारे पास रियल पार्ट तो दोनों में सेम होता है और इमेजिनरी पार्ट की सिर्फ जो साइन है वो चेंज होते हैं। सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स में इमेजिनरी पार्ट आयोटा एंड माइनस आयोटा, जिसमें दोनों का जो साइन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। सो दीज आर ऑब्वियसली कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। देन इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स इज -1। जब हम इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमारे पास आंसर -1 आएगा। हम इसको चेक कर लेते हैं, +1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस आयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो आएगा। दिस विल बिकम -1 एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बिकम
माइनस आयोटा स्क्वेयर, एंड एज यू नो आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन, सो दिस विल बिकम माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस इंटू माइनस वन, सो दिस विल बिकम माइनस वन. इस लेक्चर में हमने स्टडी किया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को, उसकी प्रॉपर्टीज को, देन उसके बाद फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को एंड उनकी प्रॉपर्टीज को. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 में जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि बेस करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे, और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी पे और उनकी प्रॉपर्टीज पे.